स्टूडेंट्स असलकम टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेंडर टाइप जस्ट लाइक वी क्रिएटेड अ कस्टमर टाइप वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज आर वेंडर्स एज वेल वेंडर्स को हमें कैटेराइज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है वंस अगेन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा कौन सा वेंडर वो है जो कि हमें डायरेक्ट फ्राम फैक्ट्री सप्लाई कर रहा है मैनुफैक्चरर ख़ुद है कौन सा हमारा वेंडर ऐसा है जो कि डीलर है वो लेता है मैन्युफैक्चरर से और हमें देता है कौन सा ऐसा हमारा वेंडर है जो कि इम्पोर्टर है जो बाहर से चीज़ें मंगवा के हमें देता है या हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन से इस तरह के डीलर्स हैं जो कि हमारे पास लोकली अपने इलाके के पास मिल जाते हैं कौन से ऐसे हैं जो कि दूर दराज इलाके से हमें चीज़ें भेजते हैं हमारे पास बहुत सारी टाइप्स जो हमारे जहन में आती है जो हमारी बिज़नेस रिक्वायरमेंट को पूरी करती है उसके तहत हम अपना वेंडर टाइप डिफ़ाइन करते हैं वेंडर टाइप डिफ़ाइन करने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि हमें ये पता चले कि हमारे ये जो वेंडर हैं इनके पीछे क्या ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी गवमेंट इदारे से चीज़ें ले देते हैं मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ होती हैं जिनको गवर्नमेंट अपने गोदाम से चीज़ें इशू करती हैं मिसाल के तौर पर गंदम इसी तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम करने के लिए अपने वेंडरों को हमें उनको कैटेगराइज करना पड़ता है अगर हमारे पास दो या तीन चीज़ें आती हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम उन टाइप ऑफ चीज़ जो भी हम उनसे टाइप ऑफ थिंग्स ले रहे हैं मिसाल के तौर पर सीमेंट के जितने भी हमारे वेंडर हैं वो एक टाइप में आ जाएंगे स्टील के सरिए के एक टाइप में आ जाएंगे और ब्रिक्स बेचने वाले अलहदा आ जाएंगे तो हम इसको जिस तरह से हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से हम अपने वेंडर्स को मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको कस्टमर्स की बारे में बताया था कि वहाँ भी क्विक बुक्स में आप अपने कस्टमर टाइप खोल सकते हैं बिल्कुल उसी तरह वेंडर भी हम अपने क्विक बुक्स में खोल सकते हैं और बेस्ड ऑन दिस जो टाइप है हम बहुत सारी रिपोर्ट्स बना भी सकते हैं कस्टमाइज भी कर सकते हैं फिल्टर भी कर सकते हैं आइए चल के देखते हैं कि क्विक बुक्स में ये सारा काम किस तरह से होता है अब हमने देखना है वेंडर्स की टाइप हमें कहाँ नज़र आती है हम कोई भी अपना वेंडर चूज़ कर सकते हैं और उसको एडिट करके देखेंगे हम कि हमें वेंडर टाइप मिलती कहाँ है वेंडर टाइप हमेशा एडिट करने पे आप देखेंगे कि एडिशनल इन्फो में आपके पास वेंडर टाइप मौजूद है हमारे पास बहुत सारी इधर वेंडर टाइप्स पहले से लिस्टेड हैं लेकिन हम मज़ीद भी क्रिएट कर सकते हैं आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि कौन कौन सी टाइप की हम पेमेंट किस किस टाइप के लोगों को कर रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमें सप्लाई कर रहा है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस उसे हम पेमेंट कर रहे हैं इसके अलावा वेंडर में तमाम टैक्स कलेक्शन एजेंसीज़ भी आ जाती हैं और इसी तरह से यूटिलिटी के जितने भी इदारे हैं वो भी वेंडर के अंदर ही लिस्टेड होते हैं मिसाल के तौर पर बिजली पानी गैस टेलीफोन ये भी वेंडर में मिलेंगे आपको इसी तरह से सेंट्रल आपकी जो टैक्स कलेक्शन एजेंसी एफ बी या कोई लोकल एजेंसी मिसाल के तौर पर पी ये भी आपको वेंडर के अंडर ही मिलेंगे लेकिन आपको कैटेगराइज कर लेना चाहिए कि इनको जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है गवर्नमेंट ट्रेजरी के लिए लेकिन जो सीमेंट का सप्लायर है जब उसको पेमेंट हो रही है तो वो हो रही है अगेंस्ट अ प्रोडक्ट इसी तरह अगर कोई हमें किसी किस्म की टेस्टिंग करने के लिए कोई अपनी सर्विस दे रहा है तो उसको जब पेमेंट हो रही है वो हो रही है फॉर अ सर्विस इसी तरीके से हमने अपने तमाम वेंडर्स को क्लासिफाई करना है आइए देखते हैं कि किस तरीके से और कहाँ से किया जाता है सबसे पहले आपको वंस अगेन जाना होगा लिस्ट में और कस्टमर्स एंड वेंडर प्रोफाइल लिस्ट इसके अंदर आपको वेंडर टाइप लिस्ट नज़र आ जाएगी इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले से कंसल्टेंट इक्विपमेंट मटेरियल, परमिट्स सब कॉन्ट्रैक्टर्स सप्लाईज टैक्स एजेंसीज़ और यूटिलिटी मौजूद है लेकिन हम इसमें दो और मज़ीद खोलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से हमें अपने पास नज़र आएंगे ये एक नया हम खोलने लगे हैं और ये क्योंकि वो हैं जिनसे हम चीज़ें लेते ज़रूर हैं लेकिन ये ख़ुद मैनुफेक्चरर नहीं है ये हैं डीलर्स और एक जो और हम खोल रहे हैं वो हैं जो हमें माल बाहर से ख़रीद के देते हैं और वो हैं हमारे इम्पोर्टर्स जब आप ये दोनों चीज़ें चूज़ कर लिया करें तो ओके करें अब हमारे पास इस लिस्ट में इम्पोर्टर्स भी आ गए हैं और डीलर्स भी आ गए हैं अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपने वेंडर्स के पास आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ बहुत दफ़ा आप वेंडर सेंटर वेंडर से भी जा सकते हैं इधर से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वहाँ से अपने वेंटर सेक्टर पर चले जाएँ यहाँ की जो तीन हमारे पास चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं तीन वेंडर्स इन सब को हम टैक्स एजेंसी करार दे देते हैं इन दो को हम डीलर जो हमने अभी नया एक बनाया है आपको पता है कि एडिशनल इन्फो में ये चीज़ पड़ी होगी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये सप्लाईज़ वगैरह का काम कर रही हैं और ये डीलर हैं किसी ना किसी बड़े मैन्युफैक्चरर के आप चंद ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो हमें चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करके देती हैं हम उनको एज़ अ इम्पोर्टर जो है वो चूज़ कर लेते हैं सबको आपने एडिट करना है एडिशनल इन्फो में जाना है और इनको आपने एज इम्पोर्टर्स या जो भी आपने कैटेगरी अपनी सही रखी है बेस्ड ऑन योर ओन बिजनेस आपके बिज़नेस के तहत आपने उन्हें बना लिया अब हमने यहाँ चार मुख्तलफ टाइप के विंडस बनाए हैं और उनकी टाइप भी हमने डिफ़ाइन कर दी है बल्कि रीडिफाइन कर दी है अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमने एक रिपोर्ट बनानी है रिपोर्ट्स वंस अगेन एज यू नो हमने रिपोर्ट्स पे जाना है और लिस्ट पे जाना है इस वक्त जो हमने देखनी है वो है वेंडर की कॉन्टैक्ट लिस्ट वंस अगेन जब भी आप स्क्रीन पर आएंगे तो आपके पास बेतहाशा आशा आएगी हमने इसको कट डाउन करना है इसे कस्टमाइज़ करना है और सिर्फ वो इन्फॉमेसन रहने देनी है जो हम देखना चाहते हैं यू हैव टू गो टू कस्टमाइज़ रिपोर्ट जो कॉलम आपने यहाँ रहने देने हैं वो रहने दें इसके अलावा जितने भी गैर ज़रूरी कॉलम्स हैं वो आप अनचेक कर दें जब आप अनचेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये उस रिपोर्ट में से चले जाएंगे जब भी चाहें आके आप दोबारा चेक करके इसे बना सकते हैं तो ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि सिंपल कितना काम है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सिर्फ टिक मार्क करना है और अनटिक करना है हमने वेंडर टाइप नया जो भी फील्ड है वो ऐड किया है बाकी तमाम फील्ड हमने डी सेलेक्ट कर जैसे ही हम ओके करते हैं हमारे पास एक लंबी लिस्ट आ जाती है और उसमें हर टाइप के हमारे वेंडर वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं अब हमने करना यह है कि हमने इसको भी मज़ीद फिल्टर डाउन करके हमने सबसे पहले तो देखना है कि हमारी टैक्स एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं उसके लिए हमें फ़िल्टर टैप पे जाना पड़ेगा और वेंडर टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगी वेंडर टाइप पे जो हमने सेलेक्ट करनी है वो है हमारा टैक्स एजेंसी अब आपने देखा कि हमने दो टैक्स एजेंसियाँ मजीद डिफ़ाइन की थी तो हमारे पास इस वक्त तीन टैक्स एजेंसीज़ नज़र आ रही हैं इसके अलावा अब हम चाहते हैं कि टैक्स एजेंसीज़ के अलावा हमें इम्पोटर्स जो हमने नया एक वेंडर टाइप खोला है और डीलर्स वो भी हमने एक नया वेंडर टाइप खोला है ताकि हमें ये पता चल सके कि ये टाइप के कितने हमारे पास वेंडर्स मौजूद हैं वन सेकेंड गो टू फिल्टर्स लेकिन इस दफ़ा जब हम चूज़ करेंगे अपना वेंडर टाइप तो हम वहाँ एक वेंडर टाइप नहीं चूज़ करेंगे बल्कि याद रहे कि ये सारे वेंडर टाइप्स हैं ये वही डाउन से आ रहे हैं जो आपने ख़ुद फिल की है अभी लेकिन ऑल वेंडर टाइप्स के नीचे एक और ऑप्शन आपको दी जाती है वो कह रहा है मल्टीपल वेंडर टाइप्स जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपके पास वही तमाम लिस्ट वेंडर टाइप्स की मौजूद है इसमें से आपने सिर्फ तीन टाइप्स चूज़ करनी है तीनों जो अभी हमने डिफाइन की थी डीलर्स इसे आप टिक करें इसके अलावा इम्पोर्टर्स इसको टिक करें और फाइनली टैक्स एजेंसीज इसको टिक करें ये हमने तीन हैं जो अभी चूज किए हैं और आपके सामने बनाए हैं तो आपके पास उन्हीं की डिटेल आनी चाहिए अगर आपने कंसल्ट करना है तो दोबारा इस वीडियो को पीछे करके देख लें कि हमने ये चार चूज़ किए हैं या नहीं इधर भी ओके करें और यहाँ भी ओके करें अब आपने जैसे ही ओके किया तो आपके पास हर चीज़ में से फिल्टर्ड डाउन वो इंफॉर्मेशन आ गई जो हम देख रहे थे हमारे पास इम्पोर्टर्स भी आ गए हैं और हमारे पास तमाम के तमाम डीलर्स भी आ गए हैं और टैक्स एजेंसीज भी आ गई हैं अच्छा अब आप देख सकते हैं कि ये एक तरतीब में नहीं है रीजन बी कि इनकी तरतीब वेंडर के नाम से ऊपर से नीचे अल्फाबेटिकली हुई हुई है इसको भी हम सेट कर सकते हैं आप वेंडर टाइप में इसे सेलेक्ट करें ओके okay करें ऑटोमेटिकली आपकी सॉर्टिंग भी एज पर योर रिक्वायरमेंट हो गई सो नाउ यू नो हाउ टू एंटर अ न्यू वेंडर टाइप हाउ टू यूज अ रिपोर्ट कस्टमाइज इट एंड फाइनली क्रिएट अ फ़िल्टर्ड रिपोर्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट आपने देखा कि सारे टूल्स जो आपको चाहिए कस्टमाइज़ रिपोर्ट बनाने के लिए वो सारे हैंडली आपके पास मौजूद हैं आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा आपने एक बनी बनाई पुरानी रिपोर्ट पकड़ी उसी को आपने कस्टमाइज़ किया उसी पे फिल्टर लगाए उसी पर शॉर्ट करके आपने वो चीज़ हासिल कर ली जिसके लिए आप कोशिश करने के लिए इस दर रिपोर्ट जनरेट करने आए थे और यही वो टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हैं और यही वो फैसिलिटी है क्विक बुक्स की कि जिस पे तमाम मैनेजमेंट तमाम अकाउंटेंट्स और तमाम सीनियर मैनेजमेंट को जिसकी ज़रूरत होती है कि हमें एट ए क्लिक ऑफ़ अ बटन फ़ौन मुख्तलिफ़ टाइप की रिपोर्ट्स फॉर एनालिसिस मिलती रहे तो जब आपके पास डेटा मौजूद होगा तो ये रिपोर्ट्स बनाने में आपको कोई तगदो नहीं करना पड़ेगा और आप फ़ौर करके ये दे सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट की असल रिक्वायरमेंट डेटा एंट्री नहीं होती बल्कि वो रिपोर्टिंग होती है जो कि उस तमाम डेटे पे बेस करके उनको एनालिसिस के लिए बड़ी टाइमली फैशन पे वक्त पे मिल जाए थैंक यू सो मच